वाली। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बढ़ती महंगाई के विरोध में युवक कांग्रेस ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम हटा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज हटा युवक कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम हटा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। हटा में चंडी जी मंदिर परिसर में युवक कांग्रेस और हटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में एक रैली चंडी जी मंदिर से होते हुए नगर के राय चौराहा, बस स्टैंड, मस्जिद चौराहा से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम हटा एसडीएम को सौंपा गया और तीन बत्ती चौराहे पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने बताया कि राष्ट्र नेताओं की जासूसी, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों और किसान विरोधी कानून के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया है। शहरों की सड़कों की स्थिति और सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए अधिकारियों से अपनी मांगों से उतरकर अधिकारियों से अपनी कारों से उतरकर पैदल शहर की स्थिति देखने और सुधार करने के बाद कही गई। अगर सड़कों को शीघ्र दुरुस्त नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और जिस प्रकार से युवा निकलता है बाहर तो संघर्ष रखता है, उसी प्रकार से हटा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने ये बता दिया है कि युवा अभी चेता नहीं है, अभी युवा निकल रहा है बाहर और जिस समय युवा बाहर निकलेगा उस समय यहाँ पर गंदोदी नीति कर रही है बीजेपी सरकार की, उसके सहन करने का काम युवा ही करेगा। ये आज इस कार्यक्रम से हम लोग कुछ भी सोचते हैं। युवक कांग्रेस आज जो ज्ञापन सौंपा है, आज युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जो लगातार लोकतंत्र पे हत्या करती हुई बीजेपी सरकार देश के शीर्ष नेताओं की जासूसी करवा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घरेलू रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, देश में बेरोजगारी का माहौल है, किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज युवक कांग्रेस के नेतृत्व में एक ये प्रदर्शन किया गया था और माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। अगर भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें बंद नहीं होती हैं तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवक कांग्रेस सड़कों पर बड़े स्तर पर उतरेगा और एसडीएम ऑफिस का और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं उनका घेराव करेगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा।